आइए मित्रों, मैं आपको आज A1 कंपटीशन सेंटर जो नवादा में 12 वर्षों से कंपटीशन के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, जिनके संस्थापक अमरदीप सिन्हा सर से आपके पास मैं आया हूँ। आज उनसे जानेंगे कि एग्जाम जो कैंसिल हुआ है उनके विरोध में सर का क्या अपना विचार है, और वो अपना विचार आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि हम लोग की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। आइए, अमरजीत सिन्हा सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, हम जानना चाहते हैं कि जो कैंसिल हुआ है सर एग्जाम, तो आप इसके बारे में पहले कुछ बताएं। देखिए, ये 28 जनवरी को 2020 को ये एग्जाम हुआ था, और नवादा में जहाँ तक देखा जाए तो कदाचार मुक्त एग्जाम हुआ था, और डीएम भी लिख के यहाँ से भेजे थे और डीओ भी कि नवादा में कदाचार मुक्त एग्जाम हुआ। और जहाँ तक की बात है, हमेशा सूचना दिया जा रहा था कि अब रिजल्ट आने की संभावना 15 मई तक है, लेकिन कुछ दिन पहले ही इशारा किया गया था कि 22 मई को कोई नीरज कुमार नाम से लड़का है, वे कोट किया हुआ है, लेकिन तब पर भी हम लोग को आशा था कि जीत हम लोग का होगा, क्योंकि कहीं भी एग्जाम में धांधली नहीं हुआ था। और एक वह बोर्ड जो है, 4 लोग की कमेटी गठित किया, 4 लोग को, और रातें रात जो है एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। इससे अभ्यर्थियों में रोष है, और जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय 22 तारीख तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके अलावा मेरे पक्ष में नहीं आएगा तो हम लोग भी कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। सर, आप एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए आप ये बताएं कि आगे हम लोग को अभी क्या प्लानिंग पर काम करना चाहिए। अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जोड़ने के लिए, और सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि जितना हो सके लगे कि हम एग्जाम में सफल हो रहे हैं, वैसे स्टूडेंट मेरे साथ दें, आपको हम एक दिन मतलब रिजल्ट आपके साथ हम आएंगे लेकर, बोर्ड को झुकना पड़ेगा। तो अभ्यर्थियों से आप ये बताएं सर कि उन लोग अभी जुड़े व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी हो है ना, और जो पैसा वगैरह का जो कलेक्शन का जहाँ तक बात है सर, तो उसके बारे में भी कुछ आप अभ्यर्थियों को बताएं। अभी हम कोई भी स्टूडेंट को पैसे के लिए नहीं बोले हैं, और जरूरत पड़ा तो 500-1000 कोई भी बड़ा चीज नहीं है कम्पटेटिव स्टूडेंट के लिए, तो जरूरत पड़ा मिलजुल कर बैठेंगे उनके साथ, और साथ रहकर, ये नहीं कि हमको पैसा चाहिए, भगवान करे किसी से लेके हम ये सब तरह के हरकत करें, सब साथ लेकर ये पैसा हम लोग को जीत सुनिश्चित करवाएगा। सर, हम लोग नवादा से तो आप ही के मार्गदर्शन में हम लोग स्टेट के विरोध में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर, और इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं सर कि हम लोग जो मार्गदर्शन में आपसे चल रहे हैं सर, तो हम लोग को कुछ आगे और मार्गदर्शन दीजिए, और अन्य जो जिला के हमारे अभ्यर्थीगण हैं उनके बारे में भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए सर। देखिए, मार्गदर्शन की बात है तो जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि भाई 2 तरह के होते हैं, तो एक भाई नीरज, जैसे किसी का बाल बच्चा है तो 2 भाई, तो एक नीरज है, एक हम लोग भी सोच लेते हैं, तो नीरज तो कर दिया, लेकिन आने वाले समय जो है हम लोग के लिए बाप भी कुछ सोचेगा, इसलिए घबराइए नहीं, जीत सुनिश्चित है, और आशा करते हैं कि 22 तारीख हम लोग के ही पक्ष में रिजल्ट आने वाला है। सर, आपने भी आप भी एक अभ्यर्थी हैं सर और स्टेट के, है ना, तो आपको क्या लगता है सर कि मतलब इस साल हम लोग पूरे एकदम ज्वाइनिंग कर लेंगे क्या? आशा था, पूर्ण विश्वास था कि स्कोर हम पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम दिए थे, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि हम बिहार टॉपर की आशा रखे हुए थे, लेकिन एक वह सूचना देकर बोर्ड हम लोग को साथ धोखा किया है, क्या किया है उसको कोर्ट ही बताएगा। सर, अंत में आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि आप जो अभ्यर्थी अभी निराश बैठे हुए हैं, आप एक शिक्षक हैं सर,
और उस हैसियत से जरा आप सारे बच्चों को, जितने भी आपके सारे बच्चे हैं सर, भले अभ्यर्थी हम लोग हो गए हैं, लेकिन आप संतावना के लिए कुछ जनता उनने के लिए बोल दे ताकि सब लोग थोड़ा आश्वस्त रहे। आशा है, पूर्ण विश्वास है, जो भी मेरे साथ हैं, आप के पास एक रुपया नहीं भी है तो हम उनको साथ लेकर चलेंगे और रिजल्ट आपका भी आएगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू।